देखिए, अच्छी गाड़ी खरीदने से आपको एक जबरदस्त और सेफ राइड क्वालिटी मिलेगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। जब तक आप एक अच्छी टायर नीक लगवाते अपने गाड़ी में, तब तक आपको बेस्ट राइड क्वालिटी नहीं मिलेगा। ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स सेल होते हैं मार्केट में, बहुत सारे टायर्स के मॉडल्स अवेलेबल है। अब ले तो कौन सी खरीदे, ये समस्या आपके माइंड में बहुत बार आएगा अगर आप गाड़ी खरीद चुके हैं तो। एक रिलायबल, ड्यूरेबल और कंफर्टेबल राइड देने वाली टायर ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप मिशलिन के डीलर के पास जाते हैं। भाई वहाँ आपको जो रेंज मिलेगा टायर्स का, शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे आपको वो सारा रेंज मिल सकता है। देखिए, मुझे स्टॉक टायर चेंज करना था हमेशा से, और मैंने मार्केट में बहुत रिसर्च किया ऑनलाइन और ऑफलाइन। फाइनली रिसर्च करने के बाद मिशलिन ब्रांड के जो टायर्स हैं मुझे कुछ ज़्यादा फिट होते हुए दिखे मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, इसलिए आज मैं आया हूँ मिशलिन के डीलर के पास। और चलिए हम चेकआउट करते हैं मिशलिन के टायर्स टाटा सफारी के लिए। फिर डीलर ने मुझे दो टायर्स शॉर्टलिस्ट करके दोनों दिखाए और मैं दोनों टायर्स को देखने लगा। एक था लैटिट्यूड स्पोर्ट 3 और दूसरा था प्राइमेसी एसयूवी टायर्स। मुझे पर्सनली लैटिट्यूड स्पोर्ट्स 3 फिट लगी, जो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द एसयूवीज में अच्छे से सूट करेगी मोस्ट ऑफ द राइडिंग कंडीशंस में। एसिमेट्रिक थ्रेड डिज़ाइन जो आउटर पार्ट में होता है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है ड्राई एरिया में, और जो इनर पार्ट काम करता है वो वेट एरिया में आपको अच्छा ग्रिप दे देता है। डायनामिक रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी जो ये यूज़ करता है, इसमें वो यार्न और नाइलॉन का एक हाइब्रिड बेल्ट बना हुआ है जो आपको एक ऑप्टिमम ड्राइविंग प्रिसिशन देता है। नॉस्ट ग्रूव्स जो है वो आपको एक अच्छी ग्रिप भी दे देते हैं, और जो थ्रेड है इसकी, उसकी जो पकड़ है ना, वो ब्रेकिंग में काम आती है। लेटेस्ट जनरेशन सिलिका बेस्ड कॉम्पाउंड यूज़ होती है इस टायर में, जो ऑप्टिमाइज कर देता है ग्रिप को वेट रोड पे। सॉलिड ब्लॉक थ्रेड स्कल्पचर इनको तगड़ा और ड्यूरेबल बनाता है बहुत ज़्यादा। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हाई रेसिस्टेंस कारकास कैनवास जो रखा हुआ है वो इन टायर्स को और ज़्यादा रफ और टफ बना देता है। तो अभी मैं सतिंदर जी के साथ बैठा हूँ जिनकी ये डीलरशिप है, और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सतिंदर जी, आपके पास कोई कस्टमर आता है जो एसयूवी ओन करता है या कोई भी गाड़ी ओन करता हो, तो उनको आप मिशलिन की टायर्स क्यों रेकमेंड करते हैं, आप क्यों मिशलिन की टायर्स रेकमेंड करते हैं? गाड़ी मक्खन हो जाएगी। सपोज यू आर ड्राइविंग अ टाटा सफारी को चलाने का जो एक्सपीरियंस है मिशलिन के बाद टोटली रेंज रोवर टाइप का है। Then you feel कि उसमें जो ब्रेकस्टोन का डर आया है और अब हमने जो मिशलिन में कन्वर्ट किया उसको, तो जो ड्राइव चेंजेस, जो स्टीयरिंग इंप्रूव्स, ओके, एंड द नॉइज लेवल रिड्यूसेस, और जो ब्रेक्स हैं आपकी, अगर वो गाड़ी आपकी 1.5 मीटर मिशलिन में पहले ही रुके, ओके, और ओवरऑल बेसिकली आप कहते हैं कि ओवरऑल राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, राइड क्वालिटी, माइलेज इंप्रूव हो जाती है, प्लस जो कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन, वो बेटर। Okay. और जिन लोगों को अगर लद्दाख वगैरह जाना होता है, टेरेन में जाना होता है, ऐसे खास करके जो सफारी के ओनर्स हैं, एसयूवी का गाड़ियों के ओनर्स हैं, तो उनके लिए आप मिशलिन का कौन सा मॉडल रेकमेंड करेंगे? अगर आपके लिए लैटिट्यूड स्पोर्ट्स 3 और जो बिल्कुल प्योरली ऑफरोडिंग में जाना चाहेंगे उनके LTX स्पोर्ट्स। ओके ओके, नहीं डेफिनेटली आई थिंक जिस हिसाब से मैंने आज देखा, जो रेंज मैंने यहाँ पे देखी मिशलिन के टायर्स की, डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो जो चीज़ें मैंने खुद से देखा, जो साइजेस अवेलेबल है, आई थिंक 17 इंच से 23 इंच तक सारा रेंज अवेलेबल होगा आपके पास। तो यू नो, लगभग अगर आपके पास कोई भी एसयूवी हो, शायद ही ऐसा आपका साइज होगा जो मिशलिन के टायर में वो अवेलेबल ना हो, तो आई थिंक उस हिसाब से एक अच्छा रेंज है। और हमें भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी टायर्स। तो सतिंदर जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें टाइम दिया आपके डीलरशिप को एक्सप्लोर करने के लिए मिशलिन के टायर्स। आपने भी अपना टाइम लगाया।
टायर्स में टफनेस और रिलायबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो मिशलिन के टायर्स में आपको मिल जाती है। बहुत ही पुराना और ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, इनके टायर्स फॉर्मूला 1 के टॉप कार्स में भी यूज होती है। लीडिंग लग्जरी एसयूवी मैन्युफैक्चरर्स इनको प्रिफर करते हैं अपने स्टॉक टायर्स चुनने के लिए। भाई मेरा तो दिल आ गया इन टायर्स पे।